है उसके पास खाड़ू खिलाना है। हमारे जीजा सबसे बड़े जीजा जी ब्रो प्लीज मुझे एडिट कर देना ब्रो, मैं बहुत काली दिख रही हूँ। और ये हमारा बहुत पुराना घर है, ये मेरी दादा दादी का घर है जो कि हम लोग एटलीस्ट कितने, मैं तो 8-9 साल बाद आ रही हूँ अपने घर। और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। और सब ना दोगे इन्होंने इधर ही सुखा रखे हैं। और क्या बोलते हैं इसका नाम, हम लोग मैं मम्मी पापा हम लोग 1-2 हफ्ते पहले ही गांव आ चुके थे, तो हम लोगों ने घर की थोड़ी साफ़ सफाई करी, इसलिए मेरा शक्ल थोड़ा चेंज हो गया, मैं गोरी से काली हो गई हूँ। और ये मेरा भाई है जिसका ये व्लॉग है, मैं इसके व्लॉग में पहली बार आ रही हूँ, मतलब ऐसे मैं एक झलक आई थी बट इस बार मैं पहली बार शूट कर रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इसका व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि मैंने इसका एक नुकसान किया था, उस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये व्लॉग मैं शूट करूँ और इस व्लॉग में इतने व्यूज़ आए इतने सब्सक्रिप्शन बढ़े कि मेरा भाई खुश हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना और क्या बोलते हैं और सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये प्लीज़ ये करना मत भूलना क्योंकि ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। प्लीज़। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है काजल देवल, बट मैंने प्राइवेट डाली है, छोड़ो तो कोई नहीं है, इसको फॉलो करना। क्या ऑफिशियल? अच्छा, AK अरुण वन करके इंस्टाग्राम की आईडी, तो प्लीज इसको फॉलो करना और इसके फॉलोवर्स बढ़ाना। तो अभी हम आपको फैमिली से मिलवाते हैं, सारी फैमिली से अभी थोड़ी देर में मिलाएंगे, पहले हम आपको अपना घर दिखाना चाहते हैं जहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट बचपन ही बीता है। हम हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आते थे और बहुत इस बार बहुत सब लोग पूरी फैमिली आई है, लेकिन 2-3 मतलब भाइयों को छोड़ के बाकी सारी पूरी फैमिली यहाँ पे है। तो हम आपको अपने दादा दादी का घर और इसके नाना नानी का घर, मतलब मेरे जो दादा दादी है वो इसके नाना नानी है, तो हम लोग अपना घर यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये निमदरी है यहाँ का। यार ये बैक कैमरा कैसे हो रहा, ये यहाँ से पहले व्यू है थोड़ा सा, ये तेला गड़ियों है जो कि अब बहुत खाली हो चुका है, लोग अपने घर छोड़ छाड़ के चले जा चुके हैं, जो कि अब हमें बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ पूरा खाली है। और वो ये हम लोग का मेला गडगियों है, अभी मैं आपको ऊपर से बहुत अच्छा व्यू दिखाऊंगी। और ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये है हमारी निमदरी जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। अभी प्लीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली आ रखी है तो थोड़े कपड़े उपड़े को इग्नोर करना। तो अभी इस रूम में ले चलते हैं आपको, आपको यहाँ बताते हैं कि कितने सारे बर्तन है हमारे, ये देखो, चोरी मत करना है गड़ियों वालों हमारे गाँव हमारे घर की। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन रखे हैं और मेरे नाना और ने बनाया था ये घर, बहुत पुराना घर है। कितने साल पुराना घर है इसको, तो बहुत टाइम, मतलब 30-35 पता नहीं कितने साल उससे भी, हमारे मतलब मम्मी पापा का बचपन यही है, तो 30 क्या बहुत ही 80-90-100 साल पुराना घर होगा ये तो। ठीक है, ये घर की थोड़ी स्थिति नाजुक सी हो चुकी है। ये हमारे घर के ये जो हमारी जो मम्मियाँ लोग आई हैं अपने यहाँ ससुराल में, अपना ये उनका दहेज है। यार इसका एडिट कर दियो यार प्लीज। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मस्त ये ऐसे व्लॉग डाल रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बंठा गढ़वाली में, जो कि इसमें हम लोग पंदेरे से गागर बोलते हैं इसको, बंठा नहीं बोलते इसको। हाँ मतलब गागर, हाँ ये गागर ये हो, सॉरी इसको बोलते हैं बंठा। ये देखो ये रहता है गिंठाली और गढ़वाल में, तभी भी इसको फर्क नहीं पड़ता है और मुझे पता है, तो ये और ये होता है गागर। ठीक है, बट ये बहुत पुराने बर्तन है। तो अभी ले चलते हैं आपको दूसरे रूम में, चलिए जहाँ हम कल सोए थे। तो कल हम यहाँ सोए थे और अभी जितने हमने बिस्तर वगैरह कुछ नहीं उठाया और यहाँ पे लोगों के बैग रखे हुए हैं, चार्जिंग पे लगा रखे हमने फोन और यहाँ पे म्यूजिक वाला सिस्टम भी लगा रखा है। थोड़ा लोगों के सामान प्लीज इग्नोर इट। चलो अब ये हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये पहले बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत हुआ करती थी ये, अब यहाँ पे इतना कच्चा हो गया कि हमने यहाँ लकड़ी बिछा दी है।
चटकाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? सिट्टी पिट्टी गुल। वाह रे वाह। और कांची बोला हाय। कांची हाय। कांची से हाय। हाय कांची। तो ये मेरे तो मेरे ये भाई की लड़कियां हैं, बड़े भाई छोटे भाई की। हाय चारी। तो अभी हम लोग आ गए हैं निमदरी से बाहर और ये है बाहर का थोड़ा सा व्यू। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए मेरी बुआ एंड मेरी दीदी, ये मेरा छोटू। कुहू व्लॉग्स, प्लीज फॉलो कुहू व्लॉग। बट ये व्लॉग्स नहीं डालते तो इनकी इनको थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। अभी जब इन्हें टाइम मिलेगा ये जरूर अपना व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग डालेंगी। ठीक है तो डालेंगी ना। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड है आपको दिख रहा है, देखो कितना अच्छा सा व्यू है। ये मेरे घर का, मेरे घर से ये सब व्यू दिख रहा है। पहाड़ इतने करीब हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है इस व्यू को देखने में। तो अब आपको ले चलते हैं हमारे घर के किचन में, जहाँ हमारा आज का खाना, मतलब आज का नहीं हमेशा का खाना ही बनता है यहाँ पे। तो अब आपको हम दिखाते हैं अपना किचन। देखिए ये है हमारा किचन, जो कि अभी राशन पानी से फुल हो रखा है। यहाँ पे देखिए अब वो देखिए चूल्हा, चूल्हा भी हम जलाते हैं। और अब यहाँ गैस की सुविधा भी हो चुकी है तो हम गैस भी यूज कर सकते हैं। सॉरी अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये देखिए मैं आपको घर अभी अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये है मेरा घर। ठीक है तो उस रूम का मैंने किचन तक आपको दिखा दिया था। वो मेरे ऊपर भैया लोग खड़े हैं, वो मेरा भाई अनिल भाई, ये मेरी भाभी लोग घूम रहे हैं। ठीक है ये मेरा घर है, आपको ऐसे मैं पूरा व्यू दिखा सकती हूँ। और ये मेरे घर के पीछे से देखो, यहाँ से पूरा बैकग्राउंड इतना सुंदर है। ये देखो मेरी भाभी लोग जो बैठी हैं, इनको मैंने इसलिए बुलाया कि किचन में बैठने के लिए बुलाया है। वो मेरी बड़ी भाभी हैं, हाय करो बड़ी भाभी। फिर छोटी भाभी हाय करो, फिर उनसे छोटी भाभी हाय करो। ये मेरी तीनों भाभियां हैं और वो दीदी, दीदी को तो आपने देखा होगा। ये है मेरी दीदी संगी जी। दीदी साफ सफाई की कुछ ज्यादा शौकीन है, प्लीज फॉलो करिए इन्हें इंस्टाग्राम में। क्रिएटर है संगी जी से, प्लीज फॉलो करें, प्लीज इन्हें फॉलो करें इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम आईडी संगी जी, संगी जी जो कि अभी यहाँ पे कपड़े धो रही हैं और गड़ा ला के हम पहले नलके पे कपड़े धो रहे हैं, गंदे हो गए हमारे कपड़े कल से। ये देखो हमारी जो दी है दीदी, जरा जीजा जी को बुलाइए। सोना, हाँ ये गाँव में भी इनका सोना मोना छूटा नहीं है अभी तक। बड़े बड़े आशिक है हमारे, सोना को तो दिखा दो आप पहले। और ये है जो सोना जिन्हें बुलाया जा रहा है, जिन्हें बुलाया जा रहा है, ये है हमारे सोना जीजा जी, सोना चांदी चमन राशन। ये हमारे दूसरे सोना चीटा। तो चलिए ये हमारे घर का नीचे का हिस्सा है, यहाँ आपके लोग खाडू लेने जा रहे हैं। रुक जाओ ये माझी, ये देखो इसने हमें डरा दिया। हाँ दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मी है जिन्होंने यहाँ का पूरा इंतजाम संभाला हुआ है अभी, और इन्होंने ही पूरे घर की लिपाई वगैरह सब कुछ करी है। थोड़ा मम्मी उजाले में आएंगी, आप अंधेरे में आ रही हैं। और वो मेरी दीदी हैं, तो देखिए मेरी मम्मी को गौर से। बोला इधर बकरा ही भागी है, नीचे भागी है बकरा, उसको पकड़ने के लिए जा रहे हम, पता नहीं कहाँ चला गया। तो दिन के अभी 12:10 हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, क्या बोल रहे, पहले तो बकरी भागी, उसको पकड़ने के लिए 7-8 आदमी उधर ही चले गए थे। तो अभी बहुत काफ़ी टाइम हो गया है और यहाँ पे हम, यहाँ पे जीजा और बकरी को जला रहे हैं, यहाँ पे मतलब बढ़ियाना को बढ़िया रहे हैं इसको। और बाकी सब लोग आराम से रेस्ट कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, हमारी पूजा भी ओवर हो चुकी है। तो अब हम लोग, क्या मैं ये दिखा सकती हूँ?
और अब हम लोग जैसे कि पूजा में बकरा कटता है तो बकरा कटने के बाद उसको फिर भुना जाता है, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं। तो ये लोग मेरे भाई लोग, मेरी दीदी लोग, मेरे जीजा लोग हैं सब। तो ये देखिए, ये मेरी दीदी है, ये मेरा भाई है छोटू भाई सबसे, एंड ये मेरे जीजा जी हैं, वो मेरा दूसरा छोटा भाई, और वो मेरे छोटे जीजा जी। और ये देखिए चैनल ओनर, और ये है बकरा। सो मैं आपको ये ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बट ये मेरी दीदी और हैं, सो ये काम कर रहे हैं। ये एक तरीके की डिश आप समझ सकते हैं, प्रसाद होता है गढ़वाली में, ठीक है। तो जो प्रॉपर प्योर गढ़वाली होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी अपने आप ही, तो उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नीचे जाने के लिए मेरी बुआ लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं कि तू व्लॉग कर रही है, तो मैं पहली बार, मुझे मज़ा आ रहा है ये व्लॉग करने में। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई का ये वाला वीडियो बहुत ये एडिट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा अच्छा खासा बोल रही हूँ। मैंने करना है एडिट, कुछ तो जाएगा ही। भले डालना ही नहीं है, जहाँ जहाँ तू होगी वहाँ तो डालना ही नहीं है। ये बहुत बोलता है, ये मेरा छोटा भाई है सबसे ज्यादा, ये मेरी बहुत टांग खींचता है और मैं इसकी बहुत टांग खींचती हूँ। ये मेरा बहुत लाडला भाई है, ठीक है। हेलो गाइस, चाय पी लो, बोलो जुबा केसरी। ओ उसको केस हो गया। अगर जिंदगी में बकरा खाना है मेरा भाई, अगर जिंदगी में बकरा खाना है मेरा भाई तो जलाना तो पड़ेगा मेरी जान। जो पकड़ के दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सही था यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो पकड़ के दो दो पकाना तो पड़ेगा ऐसा। और देखो बोलना तू व्लॉग्स का आईडी बोलो, पकाना तो पड़ेगा। इनका एक डायलॉग है जो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। टॉनी प्लीज बोलना दोबारा, कौन सा वाला, यही जो पकाना तो पड़ेगा। दीदी सारे करेंगे, हाँ। दीदी इस बार सारे करेंगे, हाँ मैं बोलूंगी हाँ एक साथ बोलना, हाँ इधर उस पर वो करना सेल्फी वाले में, हाँ तो वही सेल्फी वाले में तू ये एडिट कर दियो, ठीक है जितना ये, हाँ मैं ऐसे करूंगी ना एकदम से, हाँ मेरी जान। एक डायलॉग है ये लोग कुछ बोल रहे हैं, सो अब आप सुनना क्या बोल रहे हैं, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सालो अगर जिंदगी में बकरा खाना है मेरी जान, अगर जिंदगी में बकरा खाना है मेरी जान तो बकरा तो जलाना पड़ेगा मेरी जान। बोलो जो बकरा, इन्होंने बहुत गंदा बोला, जिस अकॉर्डिंग मैं चाहती थी उस अकॉर्डिंग इन्होंने बोला नहीं है कि यहाँ लोग गांव में कैसे खाना खाते हैं। थोड़ा सा अलग है कल्चर, लेकिन बहुत अच्छा है, मज़ा आता है। जो भी शहर वाले हैं, जो जिन्होंने ये सब कभी देखा नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को गांव में आके एक्सपीरियंस करें, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। ये है गडरी, तो गडरी में मैं बुड्ढा जी को छोड़ आया हूँ, और ये देख सकते हैं कि गडरी के खेत देख सकते हैं आप। सो गाइस, खाना खाने के बाद तो आपको पता है ये काम घूम बहुत होता है, तो खाना खाने के बाद मैं नहाया भी नहीं, उसके तुरंत बाद ऑर्डर मिल गया था कि तुम्हें गडरी जाना है, और गडरी बुड्ढा जी को छोड़ना है, तो वहाँ पे मैं छोड़ आया हूँ, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ अभी घर। तो टाइम हो गया अभी 6:20, तो मुझे अभी जल्दी से घर निकलना है क्योंकि रात पड़ जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो अभी जल्दी से घर चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।